हेलो चिक्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन विद योर क्वारंटाइन टाइम एंड आई होप यू आर लर्निंग अलॉट इन दिस फ्री टाइम। सो टुडे टॉपिक इज अबाउट हाउ वी कैन यूज ड्रॉअर इन आवर फ्लटर ऐप। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट इट। तो यहाँ पर मैंने जब अपनी प्रीवियस वीडियो की तरह यहाँ पर मैंने 3 कंपोनेंट्स बनाए हुए हैं ऑलरेडी। बिल्कुल बेसिक इनिशियल जो कंपोनेंट्स होते हैं जिसके अंदर मैंने जो है वो होम का कंपोनेंट बनाया हुआ है और प्रोफाइल का कंपोनेंट बनाया हुआ है और प्रोजेक्ट का कंपोनेंट बनाया हुआ है। ये 3 मैं यूज़ करूँगा और ड्रॉअर के अंदर लगाऊंगा इन 2 कंपोनेंट्स को ताकि हम होम से जो प्रोफाइल पर आ सकें और प्रोफाइल से प्रोजेक्ट पर या होम पे वापस आ सकें। या बिल्कुल बेसिक इसके अंदर खाली मैंने ऐप बार लगाया हुआ है 3 कंपोनेंट्स में। इसके अलावा मैंने एक और कंपोनेंट बनाया है जिसका नाम है ड्रॉअर, जो हम यूज़ करेंगे आगे। ड्रॉअर के अंदर मैंने सिंपल ड्रॉअर होम ड्रॉअर के नाम से बनाया हुआ है। इसके अंदर रिटर्न में मैंने ड्रॉअर दिया हुआ है जो कि फ्लटर का अपना कीवर्ड है जिसको हम यूज़ करते हुए ड्रॉअर बनाते हैं। इसके अंदर ये हमसे मांगता है चाइल्ड और चाइल्ड के अंदर हम इसके दे देते हैं लिस्ट लिस्ट व्यू और इस लिस्ट में हम देंगे चिल्ड्रन। और चिल्ड्रन का पहला चिल्ड्रन होगा इसका और एक ड्रॉअर हेडर सही है। इसके अंदर जब हमने दिया इसको टेक्स्ट और टेक्स्ट में दे दिया हेडर सही है। इसके अलावा इसका दूसरा चाइल्ड बनाते हैं टाइटल के नाम से और इसके अंदर हम देते हैं इसको चिल्ड्रन, सॉरी चिल्ड्रन नहीं आता, इसके अंदर आएगा टाइटल और टाइटल में हम देते हैं टेक्स्ट और टेक्स्ट में देते हैं प्रोफाइल। और इस तरीके से एक और बना लेते हैं जिसको हम देते हैं प्रोजेक्ट। ओके, हमारे 3 बन गए हैं ड्रॉअर। अच्छा, अभी से जाए होम पे लगाना है। कैसे लगाना है? सिंपल, हम यहाँ से इसकी जो क्लास का नाम है वो कॉपी कर लें, अपने होम की फाइल में जाएं और यहाँ पर बार के बाद आप यहाँ पर सिंपल लिखेंगे ड्रॉअर जो के की बट फ्लटर का एज यूजुअल और इधर आप पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद ये बना देंगे। ये मैंने ऊपर निकाला हुआ है, अगर मैं इसको नहीं इंपोर्ट कराता तो यहाँ पर एरर देगा और आप इसको क्विक फिक्स के तरीके से एरर को इंपोर्ट करा सकते हैं और एरर आउट कर सकते हैं जबी। और ये हमारी होम की फाइल में आ जाएगा। ये बताने की मुझे जरूरत नहीं क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने राउटिंग का बताया भाई, तो मैंने इनिशियल राउट कहाँ डिफाइन किए हुए हैं, कैसे यूज़ करें हैं आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, ऊपर लिंक भी आ रहा होगा। और हमारा ड्रॉअर कम्प्लीटली बन गया है, इसको टेस्ट कर लेते हैं। या अब हमें इसकी लिंक के ऊपर जो है वो लगाने के प्रोफाइल के ऊपर प्रोफाइल ऊपर जाए और प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर जाए। एक और चीज़ ये है कि जैसे प्रोफाइल के बीच में कोई आइकन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिंपल ये करें कि लीडिंग आइकन आइकन्स डॉट और यहाँ पर पर्सन दे देता हूँ और ये चीज़ कॉपी करके सेम मैं इधर अपलोड फाइल दे देता हूँ फिलहाल। तो ये हमारे 2 आइकन्स आ जाएंगे इसके पीछे। यहाँ पर आप प्रोफाइल पे भी लगा सकते हैं जैसे आप चाहें, वो आपके ऊपर है, फिर आप इसको जो है वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं फर्दर। ओके, मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ। या आ गए, अब इसके ऊपर हम टैबिंग का काम करते हैं। अच्छा जी, इसको जो है मैं थोड़ा सा खोल देता हूँ ऐसे करके, ये करा और ये करा। ओके, ये नहीं मान रहा भाई, बोला इंटेंडेशन ऐसे ही रखो। ऑन टैप का एक फंक्शन है सही है जो हम टैप करने पे चलाएंगे और इसके नाम सिंपल देते हैं नेविगेटर। नेविगेटर आज इंटरेस्ट मेरा पीसी बहुत स्लो चल रहा है। नेविगेटर डॉट करते हैं पुश नेम। पुश नेम में हम देते हैं यहाँ पर उस राउट का नाम जो कि हमें देना है वो सही है। इसको हम ओपन कर देते हैं और यही जो है वो हम पेस्ट करते हैं यहाँ पर। या आगे जनरेशन है ओके और हम इसे चला के देखते हैं प्रोफाइल के ऊपर, तो ये प्रोफाइल पे चला गया। अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर लगाया है पुश नेम। अब मैं जब इसे बैक करूँगा तो हमें हेडर खुल के दे रहा है। कर इसलिए रहा है क्योंकि जब हम हेडर के ऊपर क्लिक करते हैं, ये हेड सॉरी ड्रॉअर के ऊपर क्लिक करते हैं, ड्रॉअर को ये स्टैक में डाल देता है और उसके बाद मतलब हमारे पास प्रीवियस स्टैक में ड्रॉअर है और उसके बाद जब हम प्रोफाइल क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास प्रोफाइल पर चला गया। अब प्रोफाइल से हम जब वापस जाते हैं तो हमारे प्रीवियस ड्रेस उसमें क्या है, प्रीवियस स्टैक में ड्रॉअर ओपन है, तो इसलिए ड्रॉअर ओपन रख रहा है। ये होम पे तो लेके आ रहा है लेकिन ये ड्रॉअर ओपन रख रहा है,
इसको चेंज करने के लिए यहाँ पर आप सिंपली ये करें पॉप एंड पुश नेम दोनों जगह, और अब आप देखेंगे तो ये उसको पहले बंद करेगा ड्रॉअर को, और उसके बाद जो है वो आगे अपने राउट पे देखेगा। इसे फाइल पे गया और मैं वापस आया तो यपी हमारा काम हो गया है। सेम इस तरीके से जब आप उस पर भी कर सकते हैं, क्या कहते हैं प्रोजेक्ट ये काम कर सकते हैं। अच्छा अब हमें होम के बाद प्रोजेक्ट पे भी जो है वो प्रोफाइल पे भी हमें जो हेडर चाहिए, सिंपल है, प्रोफाइल के अंदर जाएँ, ये बिल्कुल ईजी है। यहाँ गए आप, यहाँ जाने के बाद आपने यहाँ पर लिखा ड्रॉअर जैसा आपने होम लिखा था, और यहाँ पर होम ड्रॉअर लिखें, और मैंने बुट ग्रैब एज यूजुअल मैं नहीं करता था तो मैं एरर देता, हम उसको ठीक कर देते, सिंपल तरीका है। और मैं यहाँ से गया प्रोफाइल के ऊपर तो हमें यहाँ पर इसने ड्रॉअर दे दिया। प्रोजेक्ट पे गया तो प्रोजेक्ट पर ड्रॉअर नहीं बना हुआ, प्रोजेक्ट पे सॉरी मैंने यहाँ पर भी प्रोफाइल ही लगा दिया, ओह सॉरी 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 प्रोजेक्ट या। अब मैं यहाँ से जाऊँगा प्रोजेक्ट के ऊपर, तो ये प्रोजेक्ट पे ले गया। Thank you for watching my video. If you like anything, please like and subscribe. If you learn anything, please like and subscribe. Share to your relative or in the field of what you are working. Thank you. Allah Hafiz.